गुड मॉर्निंग इंटरमीडिएट इंग्लिश क्लास नंबर 2 और यहाँ पर है टेंस का इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स को कवर करने वाले हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि टेंस है क्या, टेंस क्यों पढ़ें, क्यों जरूरी है टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ होता है टेंस क्या है, तो ऐसा पूछने पर लोग कहते हैं टेंस का मतलब काल, है ना, टेंस का मतलब टाइम, टेंस का मतलब लोग कहते हैं टाइम, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है भाई। टाइम ऐसे बोल दिया ऐसे काम थोड़ी चल जाएगा, नहीं। अब इसको सही से समझो, टेंस जो होता है ये एक्चुअल में फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है। टेंस क्या है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की ये फॉर्म्स होती हैं, ठीक। और ये करते क्या हैं, डैट सोज, जो एक्सप्रेस करती हैं, जो शो करती हैं, क्या शो करती हैं, इफ समथिंग हैपेंस, इफ समथिंग हैपेंस कि अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो किस टाइम में हो रही हैं, इन द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में हुआ था जो चीज़ें हो रही हैं वो हो चुकी हैं, या जो करंट टाइम में चल रही हैं यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर, और फ्यूचर, या वो फ्यूचर टाइम में हो रही हैं और फ्यूचर टाइम, ये चीज़ होता है आपका। मतलब टेंस क्या है, तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और ये एक्सप्रेस करती हैं, क्या एक्सप्रेस करती हैं, कि कोई एक्शन, इफ़ समथिंग हैपेंस, अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, कोई चीज़ें होती हैं तो किस टाइम में होती हैं, वो पास्ट टाइम में हो चुकी थी, या जो है प्रेजेंट टाइम में हो चुकी, प्रेजेंट टाइम में हो रही, या फ्यूचर टाइम में होंगी, मतलब ये या तो पास्ट टाइम के बारे में बताएंगी, या तो प्रेजेंट टाइम के बारे में बताएंगी, या तो फ्यूचर टाइम के बारे में बताएंगी। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, क्या होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब आपके दिमाग में आया, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं ये तो जनरली तीन ही होती हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक होता है आईएनजी फॉर्म होता है, और एक होता है एस और ईएस फॉर्म, है ना, मेन तो तीन ही है। आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना रहता है और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना रहता है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जा सकता है और इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। बोलो इतना क्लियर है ना। अब क्या होता है, आप एक चीज़ ये भी देखे थे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को, इसको अब ध्यान दीजिए, याद कीजिए, इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, और इसको कहा जाता था, याद आया कुछ, परफेक्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, है ना, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट जो फर्स्ट फॉर्म है, है ना, या जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, ठीक, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, हाँ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। लेकिन इसके साथ में याद ये भी रखना है कि फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडिफरेंट में भी यूज होगा, है ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो सकते हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती हैं, ठीक। इसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसको भी, और ये पक्का, ये केवल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, याद रखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वो भी ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के ही साथ ही यूज होती, मतलब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जो हैं ये क्या, ये प्रेजेंट फॉर्म, एक तरह से हम कह सकते हैं पेवर प्रेजेंट फॉर्म, है ना, इसको तो बेस फॉर्म बोला जा सकता है, क्लियर है। यहाँ कई सारी क्राइटेरिया आ जाती हैं भाई, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी यूज होता है,
पास्ट इंडिफरेंट में भी यूज होता है एक्सेप्ट अफर्मेटिव, और फ्यूचर इंडिफरेंट में भी यूज होता है ना। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जो है, इसको समझने के लिए आप याद रखो, इसको प्योर प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज होंगी लेकिन वहां पर केवल एक सेंटेंस के साथ, और वो सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सिंगुलर वाली सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल वाली सब्जेक्ट के साथ में, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। ये तो इसका काम हो गया, क्लियर भाई, आगे काम आएंगी ये चीज। अच्छा, ये जो है सेकंड फॉर्म को, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केवल केवल पास्ट टेंस में यूज होता है ना। ये केवल केवल कहाँ यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, और पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। वो पास्ट टेंस में कौन सा पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में समझ रहे ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो ये केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब अब ये दो पक्का, ये समझ लो, फिक्स कर लो, ठीक, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं नहीं यूज होती हैं पूरी इंग्लिश में, और ये फर्स्ट फॉर्म ऐसी है यस, इसके अलावा और कहीं नहीं यूज होती। दो तो क्लियर हो गया। और ये थर्ड फॉर्म, इसको परफेक्ट फॉर्म बोला जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। अब परफेक्ट फॉर्म वहाँ पर यूज होती हैं जहाँ पर वर्क में कंप्लीटनेस की बात होती है ना, जहाँ पर एक काम में एक पूरा काम को पूरा दिखाने की बात होती है, यानी कि जहाँ पर वर्क की कंप्लीटनेस, वर्क कंप्लीट की बात हो, लगभग लगभग वर्क कंप्लीट। जैसे मैं कहूँ मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया यानी कि काम पूरा हो गया है ना, लगभग लगभग नहीं बल्कि यहाँ काम पूरा ही हो जाता है। तो जहाँ पर वर्क के कंप्लीटनेस की बात हो, है ना, की बात हो, वहाँ पर प्रेजेंट, ओ सॉरी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। और ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, और जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चूंकि अभी हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस से बाहर नहीं भागना है, समझ पा रहे हैं ना, केवल तीन जगह है। बताओ भाई, क्लियर है इतना। अब ये जो होता है आईएनजी फॉर्म, है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है, एक्चुअली इसको बोल सकते हो आप प्रोग्रेसिव फॉर्म बोल सकते हैं, इसको बोला भी जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म। अब प्रोग्रेसिव फॉर्म से रिलेट कर लो, जहां पर वर्क में प्रोग्रेस की बात होगी, है ना, जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी, जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी पाई जाती हो, वर्क में कंटिन्यूटी चलती है, कंटिन्यूटी हो, वहां पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। कंटिन्यूटी मतलब समझ रहे हैं, काम लगातार चल रहा हो, है ना। अब जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, इससे नहीं मतलब, है ना, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, क्लियर है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, इससे नहीं मतलब है। आपको मतलब है जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी हो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। बताओ इतना क्लियर है। अब ये बात आती है फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब ये फर्स्ट फॉर्म आपका यूज सारे इंडिफरेंट टेंस में होता है, ये भी याद रखो, फर्स्ट फॉर्म जो है आपका सभी के सभी इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है। अब ये नहीं पचने वाली बात है, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखो, सारे इंडिफिनिट टेंस में यूज होने का मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है, ये चीज, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है ना, और फ्यूचर इंडिफिनिट
टेंस में यूज होता है, यानी कि सारे इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है। कंडीशन अप्लाई है कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म आएगा, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव सब में फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, समझ पा रहे ना। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखो कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस ए आई एस, बाकी प्लूरल होगा तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाओ, नेगेटिव होगा फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इनसे इससे नहीं मतलब है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ये क्या बताता है, टाइम को बताता है कि नहीं। एक तरह से भाई जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की हेल्प से टेंस की आइडेंटिफाई हुई, और जब एम ईटिंग आया चूंकि एम प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में वर्क में कंटिन्यूटी है, इसलिए कौन सा टेंस है, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा, मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये समझ में आया, बोलो इतना क्लियर है ना। और टेंस आपको, आप इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन सारी बात को आप सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं। जो टेंस होता है ये आपको अलाउ करता है, अलाउज यू, आपको ये परमिशन देता है टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, ये काम की बात मिल गई। देखिए टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, द टाइम ऑफ एक्शन यानी एक्शन मतलब काम, कोई काम किस टाइम में हो रहा है भाई, सिंपल सा। देखो सौ में सीधी बात है ना, टेंस अलाउज यू, टेंस आपको क्या परमिशन देता है टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब टेंस के माध्यम से जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, हम उसको उसके टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करते हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज, कभी सेकंड फॉर्म का यूज, कभी थर्ड फॉर्म का यूज, कभी फोर्थ फॉर्म का यूज, कभी फिफ्थ फॉर्म का यूज, है ना। या तो जो है केवल इन दो केस में, देखिए अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो केस में बिना हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी यार नहीं दिख रहा था, यहाँ पर इस केस में मैंने डबल स्टार, चलो मैं डबल स्टार बना दे रहा हूँ, इन दो केस में इनको टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी सब जगह तो होती ही है। बताओ आप समझ में आया, ये है आपका टेंस का इंट्रोडक्शन, एक बार फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए टेंस का मतलब जनरली टाइम होता है, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से इसको समझो। टेंस होता क्या है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की ऐसी फॉर्म्स होती हैं डेट शोज समथिंग हैपेंस इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, ये बताता है कि कोई चीज़ें हो रही हैं तो किस टाइम में हो रही हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं या पास्ट टाइम में हो गई थी या फ्यूचर टाइम में होगा, है ना। और अब ये चूंकि फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आई है तो फॉर्म ऑफ वर्ब जनरली तो तीन ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कह दिया जाता है और एसएएस फॉर्म को क्या कह दिया जाता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह दिया जाता है। अब कंडीशन क्या है कि पहले नंबर डबल स्टार वाले को समझो, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ये केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के ही साथ ही यूज होंगी। जो सेकंड फॉर्म होती हैं यानी कि जिसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो सेकंड फॉर्म होती हैं ये केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होंगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ यही होंगी। तो दो का काम तो फिक्स हो गया, दो जगह हेल्पिंग वर्ब की जरूरत भी नहीं है, क्लियर। अब बची यहाँ पर ये परफेक्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो ये थर्ड फॉर्म होती हैं ये वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर वर्क के कम्प्लीटनेस की बात हो, काम के पूरा होने की बात होती हो, परफेक्ट मतलब पूरा होना, कंप्लीट होना, है ना। और ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, क्लियर। और जो आईएनजी फॉर्म होती हैं चूँकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है, आईएनजी फॉर्म जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती हैं, तो ये वहाँ पर यूज होती हैं जहाँ पर वर्क में कंटिन्यूटी बनी रहे, कंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी जितने भी कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। क्लियर है? और रही बात भाई फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट टेंस में यूज होती हैं, है ना, इसको हम लोग कह देते हैं बेस फॉर्म। चूँकि प्रेजेंट फॉर्म कहना गलत हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म का मतलब केवल प्रेजेंट में ही यूज होंगी, ये तो गलत है ना, तो ये होती है बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म। क्लियर है? अब बेस फॉर्म सारे इंडिफिनिट टेंस में यूज होंगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो या फ्यूचर इंडिफिनिट हो। लेकिन कंडीशन क्या है, दो जगहें है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट के, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, बाकी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाओ, कोई रोका नहीं। समझ में आया? अब इसको सौ में सीधी एक बात करते हैं, टेंस है क्या, कम टू द पॉइंट। लोग कहते हैं ना मुद्दे पर आओ यार, घुमा क्यों रहे हो। खैर यहाँ घुमाने का फायदा आगे आपको बहुत मिलेगा, याद रखो इसको हल्के मत लेना। टेंस में यही याद रखना पड़ता है कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करें, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन ये भी तो याद रखना होगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, याद भी करना होगा। तो सौ में सीधी बात, टेंस अलाउज यू टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस जो है किसी काम के, है ना, समय को बताता है कि कोई एक्शन किस टाइम में हुआ है, और इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए या तो फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब तो एक्सप्रेस करता ही है, लेकिन या तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब अकेली आती हैं या जो वो हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं। क्लियर है? समझ में आया? बताओ भैया टेंस में कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर बात करें अगर टाइप्स की, अगर बात करते हैं टेंस की टाइप्स की, तो टेंस क्या है भाई, ओवरऑल टाइम को ही तो बता रहा है। टेंस ओवरऑल टाइम को बता रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो कितने टाइम को बता रहा है, एक तो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम के एक्शन को बताता है, है ना, पास्ट टाइम के एक्शन को बताता है, और जो है फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताता है। तो भाई टेंस कितने टाइप का होता है, मेनली थ्री टाइप का होना चाहिए, है ना, प्रेजेंट टेंस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, और तीसरा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। यानी कि मेनली अगर मेन रूप से देखा जाए तो टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। तो मेन थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के मेन थ्री टाइप्स हैं, वो कौन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब भैया समझ में आया? अब आगे की कहानी थोड़ा सा कहानी से समझते हैं। क्लियर है? कहानी को कहानी से समझते हैं। देखो क्या होता है, ये ऐसे समझ लो परिवार में तीन लोग, इन तीनों लोग के चार चार बच्चे पैदा हुए। क्लियर है? इन तीनों भाइयों में इतनी मतलब एकता है कि इन सब ने अपने लड़के का नाम सेम रखा, मतलब पहले लड़के का नाम रखा इंडिफिनिट। अभी समझो ध्यान से, अभी कहानी को कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। पहले लड़के का नाम रखा इंडिफिनिट टेंस रखा, है ना, दूसरे लड़के का नाम रखा कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस टेंस रखा, तीसरे लड़के का नाम रखा परफेक्ट टेंस रखा। क्लियर है? परफेक्ट टेंस रखा, और चौथे लड़के का नाम रखा गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी जैसी नियत वैसा नाम भी है, है ना, जो हमेशा काम ही करता रहेगा कंटिन्यूअस टेंस है, जो काम पूरा कर लेगा परफेक्ट टेंस है, है ना, और जो काम करता रहेगा और ऐसा लगेगा कि पूरा हो गया है लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी करता रहेगा, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, और जिनके बारे में बाय डेफिनेट ही नहीं है तो उनको इनडेफिनिट पे रख दिया गया। अब देखो इन तीनों फैमिली मेंबर्स के या इन तीनों लड़कों के चार चार हैं, मतलब इनके भी चार बच्चे पैदा हुए, ऐसे समझो इसको, मतलब प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट हैं, इनके भी चार लड़के पैदा हुए, इनके भी पैदा हुए, भाई देखो दर्जन हो जा रहे हैं, चार ते 12, तीन से 13, यहाँ 13 नहीं बल्कि 12 हो रहा है। एक दादाजी है ना, दादाजी का क्या नाम है, टेंस, तो 3-13 हो गए, दादाजी तो निपट ही जाएंगे। खैर आगे यहाँ देखते हैं, निपटाओ मत भाई, गलत है ये।
देखो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट हैं, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तीनों भाइयों में इतनी एकता है, सबका नाम एक रखा गया। अब कन्फ्यूजन हो गया, इन डिफरेंट टेंस को बुला रहा है, बुलाया जा रहा है तो फ्यूचर का आ जा रहा है, हम बुला रहे हैं प्रेजेंट का। तो इन तीनों ने सोचा भाई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जिसका जो बच्चा है ना, बच्चे को बुलाने के पहले नाम के साथ बुलाया जाए, उनके पिता के नाम के साथ। मतलब क्या हुआ, अगर बात किया जाए प्रेजेंट की, है ना, ये तुम्हारा मेन हो गया, याद रखना मेन 4 पार्ट की ये आपका हो गया। बात किया जाए प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट ने कहा भैया मेरे लड़के का नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब में लगा दो, बापू का नाम लगा दो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना, और हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, सॉरी इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट वाले आए, पास्ट वाले यार कही है तो बहुत अच्छा जुगाड़ा लगाए हो, हम भी करते हैं, चलो ठीक है। तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट कौन से हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और क्या हुआ भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर आए, फ्यूचर बोले ये तो बहुत बढ़िया है, हम भी रखते हैं। तो फ्यूचर के केस में 4 क्या हो जाएगा, बोले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 हो गया आपका फ्यूचर के केस में। बताओ समझ में आया, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल टेंस कितने हो गए, हाँ ओवरऑल 12 टाइप्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस के ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेंस के कितने टाइप्स हैं, 12। वैसे कितने थे, 3, 3 से 13 हुए, लेकिन दादाजी का दादाजी का निधन हो गया, चूंकि ये लड़के सब बड़े हो गए, दादाजी की उम्र हो गई थी, इसलिए 12 ही बचे। क्लियर है, अभी समझ में आया। मतलब ये है आपका टेंस और टेंस का क्लासिफिकेशन, टेंस के टाइप्स। बताओ यहाँ तक आज की क्लास यहाँ तक रखें, पहले इसे सेट करो। देखो अभी आपको लग रहा होगा ये सब आप क्यों पढ़ा रहे भाई, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो, कम से कम जानो तो टेंस के 12 टाइप्स हैं, कितना आसान है याद करना। बचपन में हम लोग रटते थे, याद होगा, प्रेजेंट के 4 टेंस रटे, पास्ट के 4 टेंस। अब क्या करेंगे, 12 बच्चे हैं, कितने हैं, 12 हैं। आपसे ऐसे कह दिया जाए, समझो ध्यान से, कि जाओ भैया 12 लड़के उनको मारना है, 12 लड़के हजारों लड़कों के बीच में, कैसे आप पहचानोगे 12 लड़कों को, पहचानना तो पड़ेगा ही ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन 12 टेंस को पहचानेंगे, कि मतलब कैसे जाने कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, कैसे और पहचान दोनों में करेंगे, हिंदी में भी पहचानेंगे, इंग्लिश में भी पहचानेंगे। जैसे मैं लिख दूं आई एम राइटिंग अ लेटर, क्लियर है, आई एम राइटिंग अ लेटर, एक ये और दूसरा मैं लिख दे रहा हूं इसी का हिंदी, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब देखो हिंदी से ज्यादा आइडिया लगता है कि नहीं, रहा हूं, आपके दिमाग में क्या आया, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आपके दिमाग में रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लिखा अभी पूरा तो नहीं हुआ काम, हाँ यार काम तो पूरा नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में आया कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन अब फिर कंफ्यूजन हुआ कि यार कंटिन्यूअस में कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो कई हैं, कन्फ्यूजन हुआ, है ना। तो ये चीज पहचानना है आपको, ये तो पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर इसकी इंग्लिश की भी बात करते हैं तो आप कहते हैं आईएनजी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इससे नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन इतना तो क्लियर हुआ। अब हम कल ये बताएंगे, वैसे ये इतना सबको पता रहता है कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर कल ये बताया जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों है,
है ना। और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश सेंटेंस को भी देखकर पहचानना सिखाएंगे कल, और हिंदी वाले सेंटेंस को भी देखकर पहचानना सिखाएंगे। चूंकि भाई इंग्लिश पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में भी पहचान आनी चाहिए, नहीं तो एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन गया काम से, है कि नहीं, या कई सारी चीज़ें हैं गया काम से। और हिंदी में भी आनी चाहिए ताकि आपका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन स्ट्रांग हो सके, ठीक है। यानी दोनों पहचान आनी चाहिए, क्लियर। जैसे आप अगर आप मान लो मोटा मोटा आप बता दिए कि भैया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप बताइए क्यों है। हाँ, आपके दिमाग में बचपन से क्या रटा है, रहा है, रही है, रहे हैं, आप इसे पहचाने। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं कह दूँ मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ ना, अब बताओ कौन सा टेंस है। या इसी को मैं ऐसा लिख दूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, या मैं लिख दूँ मैं खड़ा हूँ, मैं लटका हूँ, अब ये कौन सा टेंस है। टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, लेकिन यहाँ तो रहा है, रही है, कहीं मिला नहीं, है ना। तो ये रट्टा मारने से अब काम चलने वाला नहीं है, अब समझना होगा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कल की क्लास में पूरा घोर के पिलाएंगे, परेशान मत होइए इसके लिए। अभी समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट क्या है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, भाई काम तो हो ही रहा है ना बैठने का, बैठना भी तो एक एक्शन है। तो मैं बैठा हूँ या बैठा हुआ हूँ, जब तक मैं बैठा हुआ हूँ तब तक बैठने वाला काम कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो रहा हूँ, रही हूँ, तो है नहीं कि है, मामला फंस गया ना। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये भी है। तो इसको कल हम लोग टेंस की पहचान करेंगे, आज के लिए इतना ही। भाई अगर समझ में आया हो तो ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाना है, ग्रो करवाना है, जो भी होगा फीडबैक भी बताना है आपको, चाहे कमेंट के थ्रू या कॉल मैसेज, जैसा भी आपको लगे बिल्कुल आप बताइएगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।